वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से साईं एजुकेशन में स्वागत है। हमारे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी पजल्स के बारे में कि किस तरीके से हमें हाई लेवल पजल्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से हम हाई लेवल पजल्स को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें हिडन क्लूज़ को हमें एक्सप्लोर करते हुए पजल को सॉल्व करना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जा रहा था। तो आज हम आप तक लेकर के आ रहे हैं 2016 में SBI PO के मेन्स एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी एक पजल, उसको हम सॉल्व करेंगे और पूरा उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमें पजल को क्रैक करना होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सभी बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए, और इसमें जो आज हम पजल सॉल्व करने जा रहे हैं वो SBI PO 2016 के मेन्स एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। पजल देखते हैं क्या है। सेवन पर्सन्स नेमली PQRSTUV आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एज असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर, ये सात पोस्ट दी हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के CEO तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे लाइक्स डिफरेंट सिटीज नेमली मुंबई, रांची, जयपुर, चंडीगढ़, लाइक दिस। नोट, पोजिशन हैज बीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपीरियंस। CEO इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड असिस्टेंट मैनेजर इज लीस्ट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अब देखिए कहा ये जा रहा है कि सात लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट PQRSTUV जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और वो पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर एंड सो ऑन टिल CEO। अब ये जो सातों लोग हैं ये किसी किसी पोस्ट पर हैं, और ये जो पोजिशन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपीरियंस हैं। CEO इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड असिस्टेंट मैनेजर इज लीस्ट एक्सपीरियंस्ड। तो पहले तो इन पोस्ट को हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमने अरेंज कर लिया, CEO इज टॉप मोस्ट, देन ED, देन CGM, देन GM, देन DGM, देन मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। अब देखिए इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे पास दी हुई है। सबसे पहले तो पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि पजल को, हाई लेवल पजल को हमें क्रैक कहाँ से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना पजल को कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे डेफिनेट स्टेटमेंट से। ठीक है, जो भी डेफिनेट स्टेटमेंट पजल के अंदर दिया हुआ है वहां से आप पजल को क्रैक करना स्टार्ट करिए, और फिर उस डेफिनेट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते 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 पजल को आप सॉल्व करते जाइए। डेफिनेट स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि जो हमें श्योर जानकारी दी हुई है, जैसे सपोज दैट किसी पजल में दिया हुआ है कि चाहे आप ये देखिए, ये डेफिनेट स्टेटमेंट वाला फंडा सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप अप्लाई करिए और पजल में भी अप्लाई करिए। जैसे इसमें पढ़िए, पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, आर इज जूनियर टू ओनली टू पर्सन्स। अब यही हमारा डेफिनेट स्टेटमेंट है, आर इज जूनियर टू ओनली टू पर्सन्स। इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि आर जो है सिर्फ दो लोगों से जूनियर है, यानी कि बाकी सबसे सीनियर है। तो आर हमारा कहां पर होगा, सीईओ से जूनियर होगा, सिर्फ दो लोगों से जूनियर है तो सीईओ से एक तो जूनियर होगा, दूसरा ईडी से जूनियर होगा, तो आर हमारा सीजीएम हो जाएगा। तो आर की पोजिशन हमारी फिक्स हो गई। इसी ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट, और पजल आप यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करिए डेफिनेट स्टेटमेंट से। और अगर डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दी हुई है तो पजल को वहां से स्टार्ट करिए जिस पॉइंट से या जिस पर्सन से रिलेटेड तीन से चार जानकारियां आपको दी हुई हों। ठीक है, अभी देखिए उसको देखेंगे कैसे करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। आर इज जूनियर टू ओनली टू पर्सन्स। एस डज नॉट लाइक रांची। एस को रांची नहीं पसंद है। ये स्टेटमेंट डेफिनेट नहीं है, क्योंकि एस को रांची नहीं पसंद है तो कुछ भी पसंद हो सकता है रांची के अलावा, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, आगरा, पटना, भोपाल। तो यहां से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि एस को क्या पसंद है, तो ये डेफिनेट नहीं है, अभी हमारे काम की नहीं है, हम इसको बाद में यूज करेंगे। पर्सन हु लाइक चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी बट नॉट लीस्ट जूनियर। जो पर्सन जिसको चंडीगढ़ पसंद है वो टी से जूनियर है लेकिन सबसे जूनियर नहीं है, यानी कि चंडीगढ़ जिसको पसंद है वो असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा लेकिन वो जूनियर होगा टी से। तो अभी ना तो हमें टी के बारे में कुछ पता है ना चंडीगढ़ जिस किसको पसंद है उसके बारे में पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम की नहीं है। पर्सन हु लाइक्स पटना इज सीनियर टू ED। अब देखिए ये फिर से डेफिनेट स्टेटमेंट आ गया। पर्सन हु लाइक्स पटना इज सीनियर टू ED। जिसको पटना पसंद है वो ED से सीनियर है, और ED से सीनियर सिर्फ एक ही बंदा है हमारे पास जो CEO है, यानी कि पटना CEO को पसंद होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमने कर लिया, CEO के सामने पटना लिख लिया, और CGM जो है हमारा R है, और S को रांची नहीं पसंद है, ये हमने क्रॉस लगाया है, S को रांची नहीं पसंद है, S डज नॉट लाइक रांची हमें दिया हुआ है तो उसको हमने मेंशन कर लिया है। ठीक है, S को रांची नहीं पसंद है।
अब इसके बाद में देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन है, पटना इज सीनियर टू ईडी, द पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू, द पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू। अभी रांची के बारे में हमें कुछ पता नहीं है ना यू के बारे में, तो हम इसको छोड़ देते हैं। बट जूनियर टू टी, पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी। जो पर्सन है जिसको रांची पसंद है वो यू से तो सीनियर है, यू से तो ऊपर रहेगा लेकिन टी से नीचे रहेगा, ठीक है। और टी इज जूनियर टू सी जी एम बट सीनियर टू वी। अब देखिए टी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है, तीन इंफॉर्मेशन आ गई है, यानी कि टी हमारे लिए बहुत अब इंपॉर्टेंट हो गया है। पर्सन हु लाइक्स चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी, पहली इंफॉर्मेशन टी की। दूसरी इंफॉर्मेशन रांची इज सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी। और तीसरी इंफॉर्मेशन टी इज सीनियर जूनियर टू सी जी एम। अब देखिए टी इज जूनियर टू सी जी एम बट सीनियर टू वी, इसको हम लिख लेते हैं पहले सारी इन्फॉर्मेशन राइट में। यू को आगरा पसंद है और टी जो है जूनियर है सी जी एम से, एंड देन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली जो भी हमें अवेलेबल थी। अब देखिए यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि टी की पोजीशन जो है वो सी जी एम से नीचे रहने वाली है, सी जी एम से जूनियर है टी। तो टी को अभी फिलहाल हमने जी एम की पोस्ट पर रख लिया है, सी जी एम से जूनियर चार पोस्ट है हमारे पास, जी एम है, डी जी एम है, मैनेजर है, एंड देन असिस्टेंट मैनेजर है। तो टी कहीं भी आ सकता है लेकिन हमने अभी जी एम से स्टार्ट किया है। अगर जी एम में प्रॉब्लम आएगी तो फिर टी को हम और नीचे कर लेंगे, डी जी एम बना देंगे। अभी फिलहाल हम टी को हमने जी एम बनाया है और कह रहा है, अब देखिए आगे पढ़िए, पटना पर्सन हु लाइक्स रांची इज सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी, ठीक है। टी इज जूनियर टू सी जी एम बट सीनियर टू वी, एंड यू इज जूनियर टू वी, यानी कि यू वी को हमें डीजीएम बनाना होगा, क्योंकि वी को डीजीएम बनाएंगे तभी तो हम उसको यू को इससे नीचे रख पाएंगे। तो यू को हम बना देते हैं असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, और एस को हमने मैनेजर बनाया। अब कह रहा है यू को आगरा पसंद है, तो हमने असिस्टेंट मैनेजर यू के सामने आगरा लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि पी इज सीनियर टू वी एंड वी इज सीनियर टू एस, ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने यूज़ करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने मैंने क्रॉस कर दी है ये हम यूज़ कर चुके हैं, तो उसको मैंने इस वजह से क्रॉस कर दिया है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें अभी यूज़ करनी है, पी इज सीनियर टू वी, वी इज सीनियर टू एस, इसको तो हम यूज़ कर चुके हैं वी इज सीनियर टू एस, क्योंकि वी हमारा पहले ही हायरार्की में एस से ऊपर है। अब कह रहा है पी इज सीनियर टू वी, अब देखिए वी से सीनियर चार पोस्ट हैं हमारे पास, वी है डी जी एम तो इससे सीनियर हो सकता है जी एम या फिर सी जी एम या फिर ई डी या फिर सी ई ओ। जी एम हम टी को बना चुके हैं और सी जी एम आर है, ये कन्फर्म है, तो ये दो पोस्ट तो हो नहीं सकती हैं पी के लिए। अब पी या तो सी ई ओ होगा या फिर ई डी होगा, दो पॉसिबिलिटी हैं पी के लिए, तो अभी हम पी को सी ई ओ मान के चलते हैं, ठीक है। पी को सी ई ओ पर रखा तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ई डी के लिए सिर्फ क्यू बचेगा, उसको हमने वहाँ पर रख दिया क्यू पर, क्यू को हमने ई डी बना दिया। अब बात करते हैं सिटीज की। अब सिटीज के बारे में देखिए, तीन सिटी तो कंफर्म हो चुकी हैं कि वी रांची है, यू आगरा है, एंड सीईओ पटना है, तो ये तीन सिटी हट गई। तो अभी हमारे पास चार सिटी हैं जिनको हमें चार पर्संस पे फिक्स करना है। अब कह रहा है कि सीजीएम डज नॉट लाइक भोपाल, सीजीएम को भोपाल नहीं पसंद है, यानी कि आर के सामने भोपाल नहीं आ सकती। तो यानी कि तीन तो ये पहले से फिक्स थी और भोपाल यहाँ आ नहीं सकता, तो यहां पर पटना, रांची, आगरा और भोपाल नहीं आ सकता सीजीएम के सामने। तो अब हमारे पास दो चार तो कंफर्म हो गए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि द पर सीजीएम इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स जयपुर, लास्ट पॉइंट पढ़िए, सीजीएम इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स जयपुर, यानी कि सीजीएम जो है जयपुर जिसको पसंद है उससे सीनियर है, यानी कि सीजीएम खुद जयपुर से तो नहीं हो सकता, है ना। अगर सीजीएम जो है जयपुर खुद ही पसंद करता होगा तो वो सीजीएम जयपुर वाले से फिर सीनियर कैसे हो पाएगा, फिर तो वो खुद ही जयपुर से हो गया। यानी कि सीजीएम के सामने हम जयपुर को भी नहीं रख सकते, जयपुर नहीं रख सकते, भोपाल उसको पसंद नहीं है, क्लियर दिया हुआ है सीजीएम डज नॉट लाइक भोपाल, और ये तीन पर सिटीज तो बिल्कुल अलग हो गई। तो सीजीएम के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सिटी बचती है, दैट इज मुंबई, तो हमने आर के सामने मुंबई लिख लिया। अब कह रहा है कि द पर्सन सीजीएम इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स जयपुर, और सीजीएम से रिलेटेड सीजीएम से जूनियर चार पोस्ट थी, जीएम की, डीजीएम की, एमजी की और असिस्टेंट मैनेजर की, चार में से तीन पर हम सिटी पहले ही रख चुके हैं। तो जूनियर है जयपुर, तो जयपुर जूनियर है किससे, सीजीएम से, तो जयपुर को हम कहां रखेंगे,
सिर्फ एक ही जगह बच रही है जीएम की, तो जीएम पर जयपुर को रख दिया। तो लास्ट में जो ऐसे ही हमने जीएम पर जयपुर को फिक्स किया, तो भोपाल सिर्फ अकेला बचता है, तो भोपाल को हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। यानी कि भोपाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या पसंद होगा, भोपाल पसंद होगा। तो ये थी हमारी एसबीआई पीओ में पूछी गई पजल। अब देखिए कहीं कहीं पर इसमें हिडन क्लूज होते हैं, हिडन क्लूज जैसे हमने यूज किया था कि सीजीएम इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स जयपुर। अब इसने यहाँ ये कहीं पर भी नहीं हमें दिया था, हमारे पास दो सिटी बची थी कि सीजीएम को या तो जयपुर पसंद होगा या फिर मुंबई पसंद होगा। तो अब इसमें ये बिल्कुल भी नहीं क्लियर दिया हुआ था कि सीजीएम को जयपुर नहीं पसंद है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ था कि सीजीएम को जयपुर नहीं पसंद है। वो हमें हिडन क्लू था, वो हमें निकालना था किस तरीके से कि सीजीएम इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स जयपुर। तो जब सीजीएम जो है जयपुर वाले से सीनियर है, तो सीजीएम खुद तो जयपुर हो नहीं सकता, तो जयपुर और मुंबई बचे थे, जयपुर रूल आउट हो गया, तो हमारे पास सीजीएम के लिए यानी आर के लिए मुंबई बचा। इस तरीके से बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हिडन होती है, उसको हमें स्मार्ट अप्रोच लगा करके, उसको हमें थोड़ी सी अपनी थिंकिंग, अपना आईक्यू लगा करके उसको सॉल्व करना होता है। एसबीआई पीओ के लिए ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसी हम और भी पजल्स आगे आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे, बहुत ही टफ और हाई लेवल की पजल। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में पूछी गई पजल हम आपसे शेयर करें। और देखिए ये थिंकिंग कैपेबिलिटीज कैसे डेवलप होंगी, जब आप पजल्स सॉल्व करेंगे बहुत सारी नेट से या फिर प्रैक्टिस पेपर वगैरह से। जो मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया था कि एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कैसे करें, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर मैंने बुक्स सजेस्ट करी हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप प्रैक्टिस पेपर के लिए कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। जब आप 3 से 4 पजल रोज रोज क्रैक करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी ऐसी थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल सब साई एजुकेशन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक एंड शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर हमें अपना सहयोग दीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें।